मेरी फैमिली कैसे हैं आप लोग, दुआ करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ चेस्ट की, जो हमने चेस्ट मसल की सीरीज स्टार्ट की थी, आपको याद होगा मैंने आपको 7 से 8 एक्सरसाइजेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से मसल के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट रहेगी। और आज की जो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा चेस्ट मसल जो है वो कंप्लीट होने वाला है, चेस्ट एक्सरसाइजेज कंप्लीट होने वाली हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप डंबल फ्लाई जो है कैसे लगा सकते हैं, और डंबल फ्लाई जो है हमारे पेक्टोरल मेजर मसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है जो पेक्टोरल मेजर मसल होते हैं हमारे चेस्ट के सबसे ज़्यादा मसल होते हैं, ये देख सकते हैं ये जो हमारे निपल वाली ऊपर वाली साइड से मसल है, ये सारे जो हमारे पेक्टोरल मेजर मसल हैं। जब आप पेक्टोरल मेजर मसल को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो हमारे चेस्ट की शेप ऑटोमेटिकली है वो गुड हो जाती है, और साथ साथ में हमारे पेक्टोरल माइनर मसल भी वैसे ही ट्रेंड हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एक्सरसाइज का जो करेक्ट वे है वो बता देता हूँ। आपने इस एक्सरसाइज के 4 से 5 सेट लगाने हैं, मैक्सिमम जो आपकी रेपिटेशन होनी चाहिए वो 12 तक होनी चाहिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस आपको ले लेने हैं डंबल अपनी एनर्जी अपने वेट के मुताबिक, आप जितना पिक कर सकते हैं वेट आपने उतना ले लेना है, ज़्यादा हैवी भी नहीं लेना, ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं लेना। तो ये मैंने 10 केजी का उठाया है, 20 केजी टोटल बन रहे हैं वन हैंड, टोटल टू हैंड्स के अंदर। आपने जो डंबल की ग्रिप है वो टाइट होनी चाहिए, जो आपकी बेंच होगी वो फ्लैट होगी, आप फ्लैट बेंच के ऊपर क्या करेंगे लेट जाएंगे, ये देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, डंबल को बिल्कुल नीचे जाने देना, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12। होप सो गाइज आपको वीडियो जो वो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाल वाले बटन को धमाके से दबा दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। डंबल फ्लाई आज हमने लगाई, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।